सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू तो इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई, क्योंकि हमारा आज जो कंटेंट है ना वो है कि आई ओनली ईट स्ट्रीट फूड, वो भी कम से कम पैसों में ट्राई करेंगे। तो अभी चलते हैं मुंबई, अभी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं। चलो फिर ओके। सो अभी मुंबई जो है ना, सिर्फ मैं जाना ये नहीं चल रहा, क्योंकि गोरेगांव जाऊँगा, उसका डांस का शूट है। तो अभी आज मेरे को हमको शूट करने के लिए कोई भी नहीं, अपना वाला खुद ही शूट करने वाले। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। Hold me close till I get up, time is barely on our side. Chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So अभी हम वहाँ से 10 बजे निकले थे, और अभी हम लोग यहाँ पे रीच हुए 1 बजे। तो इतना टाइम कौन लगाता है, हम लगाते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेन इतनी लेट हो गई, बीच में इतनी लेट हो गई कि 10 बजे निकलने के बाद भी हम लोग इधर 1 बजे आए। और अभी मेरे को बहुत भूख लगी है, बहुत से ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खा के निकला, क्योंकि मेरे व्लॉग का कंटेंट नहीं हुआ, आई ओनली ईट स्ट्रीट फूड। तो मैं कैसे खा के निकल सकता हूँ, है ना। तो अभी पहले बाहर चलते कुछ खाते, अभी हमको ना नहीं भूख लगी, क्योंकि हमने सुबह से खाया नहीं हमारे कंटेंट की वजह से। तो अभी पहले चलेंगे, सबसे पहले कुछ ना कुछ खाएँगे। बहुत भाई स्ट्रीट फूड की बात करें, वड़ा पाव नहीं खाए ऐसे तो हो नहीं सकता। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे वड़ा पाव खाएँगे, क्योंकि भूख भी लगी है बहुत। वड़ा पाव कितने का मिलता है, वड़ा पाव देना कितने का। जो कि वड़ा पाव ले लिया, तो हम लोग जाएंगे वड़ा पाव खाएंगे, देखते हैं। वड़ा पाव बहुत टेस्टी है बहुत। तुमने मेरा लास्ट व्लॉग देखा रहेगा तो तुम लोग को मालूम रहेगा ये वड़ा पाव की शॉप किधर है। ये दोस्त मिलता है उसी का, और ये मुझे 18 रुपीज़ में मिला। वड़ा पाव खा के दो गया, नाश्ता दो गया। अभी तो अभी मेरे को कुछ ठंडा भी नहीं है, जूस देखते है ना, क्योंकि यहाँ पे ना शुगर कैन जूस बहुत टेस्टी मिलता है, और इतने कम प्राइस में इतना पूरा जम्बू गिलास देते हैं। तो देखते हैं 15 या तो 20 रुपीज़, और ये मिला हमको 18 रुपीज़। नाश्ता तो देखा जाए तो हो गया, और हमारा नाश्ता कभी हो रहा है 130। उसके बाद ना जूस पी गया, मुझे एक काम से बिंड्रा भी जाने का था, देखते उधर जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो लेने देंगे। यहाँ पे अंदर जो है ना, ये बाजू में बहुत सारी एसेसरीज मिलती है, अगर तुम लोग को एसेसरीज का व्लॉग चाहिए रहेगा ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसके ऊपर भी व्लॉग बना देंगे। हमें मीन्स हर एक टाइप की एसेसरीज मिलती है, हर एक टाइप की। मुझे सामने ना उधर जूस वाला देख गया, अभी मैं आपको तुमने इधर से दिखा दो एक बार, देखा देखा ना। तो अभी चलते हैं उसके बाद जूस पीते हैं यार, क्योंकि मुंबई के स्ट्रीट फूड की बात हो रही है, स्ट्रीट फूड में जूस वगैरह नहीं है तो क्या होगा स्ट्रीट फूड, है ना। तो अभी चलते हैं स्ट्रीट फूड। भाई जंबो गिलास दिखा एक बार, चलो बर्फ डालो ना भाई। जब मैं आया था ना उनके पास परा था, उनके पास जो इधर रुके हाँ, उनके पास परा था। आपका भी आया? मेरे को तो हो गया 15-20 दिन हो गए। 23 जैन को हाँ, मैं तो मेरे उधर ना जिधर से मैंने जैकेट लिया था, उधर एक बंदा रुका था, मेरी वीडियो उनको दिखा रहा था, और उसको बोल रहा था भाई वो जैकेट ये जैकेट मेरा वीडियो देख रहे हैं, फिर बोले हाँ। वैसे वैसे मैंने बोला था 2022 में पावर के साथ, ट्रू पावर है ना भाई। अब यहाँ से जाएंगे देखते क्या होता है। मुझे अभी इधर से बस पकड़नी है, क्योंकि महिंदा में कुछ काम है मेरे को, तो काम करके फिर तो यहाँ पे इधर लंच करने गए।
तुमको मालूम है ये मुंबई की सबसे पुरानी होटल है। नहीं ये नहीं, सॉरी सॉरी, ये सबसे पुरानी होटल है मुंबई की। ओके तो हम लोग अभी इधर आए फोर्ट के एकदम सामने खाऊ गली में। ओके मुंबई की स्ट्रीट फूड की बात हो रही है और खाऊ गली नहीं दिखा तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अभी यहाँ से चलते खाऊ गली में। मुझे जो ना बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और मुझे ना कुछ दाल चावल टाइप कुछ खाने का। यहाँ तो हैदराबादी बिरयानी मिल रही है तो क्या मालूम कैसे रहेगी कैसे नहीं। मुझे चाहिए एक थाली चाहिए, थाली पूरी भाजी। हाँ मतलब इधर नहीं खा सकते तो इधर ही खाएंगे ना भाई। किधर लेके घूमेंगे हम लोग खाना? देखे कि जैसे कि तुम लोग देख सकते हो 50 रुपये में एक पापड़, 5 पूरी, दाल चावल, छोले, आलू की सब्जी, तंदूरी। 50 रुपये में और क्या चाहिए उनको है ना। तो 50 रुपये में खाते फटाफट देखते क्या होता है क्या नहीं। जैसे कि सोचा था हमने खाना पर 50 रुपीज़ के हिसाब से ना बहुत टेस्टी है। बटा खाना कंप्लीट करते हैं और आगे चलते देखते हैं क्या होता है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। अभी 4:30 हो रहे हैं। अभी मेरा खाना खा के हो चुका है। अभी तो मैं खाऊ गली से बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ। पर यहाँ पे आलू की सब्ज़ी नॉट गुड। आलू की सब्ज़ी मेरे को समझ में नहीं, मैंने एक ही चम्मच खाया बट टेस्ट समझ नहीं मेरे को। पर अभी इसका दाल चावल बहुत सही थे और पूरी भाजी भी। पर आलू की सब्जी बिरयानी बिरयानी 50 रुपये में बिरयानी 50 रुपये में 50 रुपये में बिरयानी मिल रही। तो अभी चलते मेरा पेट बहुत भर गया, फुल हो गया, पेट एकदम फुल हो गया मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी अभी इधर आने का हो ना तो लोकेशन मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो क्यों लास्ट वाले ब्लॉग में भी तुमको बराबर लोकेशन पता नहीं चला था। ठीक है तो अभी अभी मैं लोकेशन बता रहा हूँ आपको। जो फोर्ट है ना फोर्ट के एकदम सामने ये पूरी खाओ गली है और खाओ गली में लास्ट शॉप है जहाँ पे दाल चावल मैंने अभी पूरी थाली है 50 रुपीज़ में। 50 रुपीज़ में मीन्स क्या दाल चावल दिया उन्होंने, पूरी पूरी भाजी दी, पापड़ दिया, कांदा कांदा दिया, अचार दिया। ओके बोला था मैं टाइपो लेने जा रहा हूँ, मैंने ये वाला टाइपो बाय किया उसने मुझे 250 में नहीं 250 बोल रहा हूँ सॉरी 300 में दिया। ओके जैसे कि मैंने अभी खाना जाके हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे शेक पियेंगे तो इसलिए शेक ना बहुत ही यूनिक लग रहा है मेरे को। तो अभी यहाँ पे चलते देखते शेक कैसा है कैसा नहीं, पीके तो देखेंगे ना। अभी मैंने सुबह से एक वड़ा पाव खाया, एक जूस पिया, उसके बाद खाने की पूरी थाली खाई है मैंने। और अभी उसके बाद मैंगो शेक पिया जिसके ऊपर वाटरमेलन के गार्निश किए हुए थे। ये सब मेरा हो गया। अभी मेरे को शाम का नाश्ता करने का मुझे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और अभी मैं वहाँ पे ही सीएसटी पे हूँ। तो अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है मुझे क्या नहीं। मुझे ना पिज्ज़ा खाने का या तो फ्रेंकी खाने है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं। फ्रेंकी तो मुझे मालूम है किधर से मिलेगी, तो मुझे पिज़्ज़ा के लिए भी ट्राई करने का। तो पिज़्ज़ा वाला फैशन स्ट्रीट के बाहर देखते पहले वहाँ पे चल के फैशन स्ट्रीट के बाद वहाँ पे रुका रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर फ्रेंकी खा लेंगे। अच्छी और हमने टोटल कितना खर्चा हुआ सुबह से मेरा 50 रुपीज़ की थाली। ओके 50 रुपीज़ की थाली एंड 20 रुपये का बराबर 20 रुपये की जूस 90।
95 rupees का वो 125 क्या बोला तूने 95 rupees का वो 125 मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है 125 ने हमने इतना सब कुछ खा लिया पूरा हमारा दिन निकल गया अभी और कुछ खाएंगे और देखेंगे क्योंकि शाम का नाश्ता जरूरी है कुछ भी हो जाए तो अभी शाम का नाश्ता खाएंगे और देखते क्या होता है क्या नहीं ओके मेरे बाजू में पिज्जा हट है पर हम पिज्जा नहीं जा सकते जैसे कि हमारा कंटेन है स्ट्रीट फूड पर हम पिज्जा तो स्ट्रीट फूड में नहीं आता उसके लिए हम जाएंगे उधर एंड देखेंगे पिज्जा मतलब ठीक है नहीं तो फ्रेंकी खानी पड़ेगी ओके अभी तो वहाँ पे चल के पिज्जा खाने का जहाँ पे स्ट्रीट फूड में वो जगह आती हो और मेरे मोबाइल की चार्ज भी बहुत कम हो गई है अराउंड 13% रिमेनिंग अराउंड 13% मे भी सो फटाफट चलते हैं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं हम लोग अभी फैशन स्ट्रीट पे एंटर कर चुके हैं और वहाँ पे जैकेट मिला था 200 और वहाँ पे वेरासिटी जैकेट अवेलेबल नहीं था ओके वो वेरासिटी जैकेट के लग बाय चांस है जब आओगे मिलेगा जब आओगे नहीं मिलेगा उसका कुछ भरोसा नहीं है तो ट्राई करते रहने का ओके मेरे टाइम पे था अवेलेबल तो मैंने ले लिया भी आप भी देखो आपके टाइम पे ट्राई करके देखो है ना ट्राई करके देखना अवेलेबल हुआ तो ले लेना सोचना मत जैसे वहाँ से जाओगे 5 मिनट में बात खत्म स्टॉक खत्म हो जाता है उनका 5 मिनट में वो पिज्जा का स्टॉल है यहाँ पे फैशन स्ट्रीट है उसके सामने इधर लगता है पर वो बोले पुलिस वाले आए बंद करवा के गए क्या बेचारों को कमाने तो थे कम से कम अभी वो भाई ने बोला यहाँ से सीधा जाओ खाओ गली है मुझे खाओ गली के लिए मालूम नहीं था तो अभी चलते हैं देखते हैं जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरी खाओ गली स्टार्ट हो गई तो अभी यहाँ पे देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मुझे तो पिज्जा खाने का था फिर भी लस्ट है क्या होता है क्या नहीं नहीं तो वहाँ पे पिज्जा है रुको पूछते पिज्जा कितने का ओके वो वाले भाई है ना जो बहुत टाइम लगा रहे थे तो इसलिए हम लोग यहाँ से खा रहे देखते पिज्जा देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है अभी खा के देखेंगे कैसा है कैसा नहीं ओके मेरा पिज्जा आ चुका है तो पिज्जा खा के टेस्ट करके देखते हैं अभी कैसा है कैसा नहीं ओके पिज्जा बहुत टेस्टी है मैं ऑनियन भी दे रहा हूँ जैसे मैंने बोला आलू की सब्ज़ी और टाइम पर अच्छी नहीं थी मेरी पर ये टाइम पे पिज्जा बहुत टेस्टी है बोले पिज्जा के ऊपर जो अंकल ने अलग से मैनेज डाली ना ऊपर से उसका जो टेस्ट एक लेवल अप हो गया तो अभी हम अब लोग यहाँ से जाएंगे फैशन स्ट्रीट में देखेंगे क्या है अच्छा क्या है नहीं कुछ पसंद आया तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे मेरे फ़ोन की चार्ज बहुत कम है तो उसके लिए मैं वॉच आउट नहीं कर पाऊँगा सॉरी अगर मुझे वहाँ पे कुछ अच्छा दिख गया तो मैं वहाँ पे दिखाऊँगा नहीं तो रहने दूँगा तो अभी यहाँ से चलते हैं फैशन स्ट्रीट ओके जैसे तुम लोग को मेरे पीछे फैशन स्ट्रीट दिखाई देती रहेगी मैं पिछले 1 या 1.5 घंटे से उधर ही घूम रहा था कुछ अच्छा मिले तो आपको दिखाऊँ कुछ अच्छा मिले तो आपको दिखाओ तो कुछ अच्छा था ही नहीं तो था तो बहुत कॉस्टली था और हमारा काम है चीपेस्ट वे ऑफ शॉपिंग तो उनका था बहुत कॉस्टली था तो वो लोग प्राइस बार्गेनिंग के बाद भी बहुत इतना कॉस्टली था कि कुछ दिखा नहीं सकते अभी 9:30 हुए अभी फटफट जाएंगे कुछ खाएंगे क्या खाऊंगा अब मैं हाँ मैंने बिरयानी बोला था तो अभी किसी ना किसी से बिरयानी ही खाएंगे ओके बिरयानी खाएंगे
चलते हैं एक डेढ़ घंटे से। अभी फैशन शो के मैं इधर मैं दो एक दो क्लिप दिखा देता हूँ आप। अंकल कितने का ये सब? 200 में कौन सा भी कुछ कम होगा? नहीं कम नहीं होगा कुछ। यहाँ पे सब कलर से सेशन में भाई कितने का? कुछ कम होगा क्या? नहीं ओके। वैसे मुझे अभी भूख तो नहीं लगी पर कंटेंट का जैसे मुझे बिरयानी खानी ही पड़ेगी क्योंकि मैं घर पे जाके खाऊंगा तो ये प्रॉपर कंटेंट नहीं रहेगा। तो अभी आपको बिरयानी का दिखाते उसके बाद चलते। और मैं बिरयानी वहाँ से ही जहाँ से मैंने थाली खाई थी। ओके तो लोकेशन समझ लो फोर्ट के एकदम सामने। ओके अभी चलते हैं देखते हैं। ओके अभी यहाँ से चिकन फ्राई राइस खाएंगे उसके बाद क्या होगा सीधा घर पे ही चलेंगे और क्या। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हमारे बिरयानी आ चुके हैं। ओके जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे बिरयानी जो है अभी आ चुके हैं। तो अभी इसको खाते हो टेस्ट करके बता दो कैसे कैसे है। ओके जैसे कि मैं देख सकता हूँ अपने घर पे आ चुके हैं क्योंकि मैं वहाँ पे मेरी चार्ज एकदम 0% हो गई थी तो मैं वहाँ पे इंट्रो बोल ही नहीं पाया। और वहाँ पे मैं जो मैं बिरयानी बोल रहा था वो बिरयानी नहीं थी वो फ्राइड राइस थे क्योंकि मुझे बिरयानी खानी थी तो मैं वहाँ पे बिरयानी बोल रहा था और वो बिरयानी नहीं थी वो फ्राइड राइस थे। वो एकदम ख़राब थे मीन्स वहाँ पे वो ऑयल है ना वो बहुत ही ज़्यादा डलते हैं वैसे खा रहा था ऐसे ऑयल गिर रहा था ऐसा लग रहा था मेरे को। वहाँ पे फ्राइड राइस ट्राई मत करना। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर ये टाइप के आपको और भी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।